पहले की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पक्षी हंसी खुशी से एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में रूपा चिड़िया अपने बेटे पिंटू चिड़े के साथ रहती थी। रूपा चिड़िया का पति रिंकू चिड़ा एक मेहनती और सीधा चिड़ा था। एक दिन रूपा चिड़िया, रिंकू चिड़ा, रघु कबूतर, मोनू कौवा और सोनू तोते के साथ बैठी थी। तभी, अरे भाइयों, तुम लोगों को पता है हमारे जंगल सबसे खुशहाल जंगलों में से एक है। हाँ मोनू कौवा, मुझे पता है हमारे जंगल में सबसे ज्यादा फलों के पेड़ हैं। तभी तो देखो बाहर के जंगलों से कितने पक्षी आते हैं और हमारे यहाँ से खाने के लिए फल लेकर जाते हैं। हमारा जंगल इसलिए खुशहाल है क्योंकि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। सभी पक्षी बैठ के बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जो दिखने में बहुत अजीब थी। उसने अपने गले में अलग तरह की मोती की माला पहन रखी थी। वो बिल्ली देखने में बहुत ही शरीफ दिख रही थी। बिल्ली को देख कर सारे पक्षी डर जाते हैं और जल्दी जल्दी उड़कर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। ए बिल्ली, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रही हो? खबरदार अगर तूने हमारे जंगल के पक्षियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। चल भाग बिल्ली हमारे जंगल से। अरे भाइयों और मेरी बहनों, तुम सब मुझसे डर क्यों रहे हो? मेरा नाम मोनी बिल्ली है, मैं तो बस तुम सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ। दोस्ती? लेकिन तुम तो एक बिल्ली हो और हम पक्षी हैं। हम शाकाहारी हैं, लेकिन तुम तो पक्षियों का मांस खाने वाली हो। हाँ रघु कबूतर, तुम सही कह रहे हो, ये बिल्ली यहाँ हमारे बच्चों को खाने आई है। नहीं नहीं कौवा भैया, ऐसा मत बोलिए। सब लोग यही समझते हैं कि मैं मांस खाती हूँ और कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। लेकिन ये देखिए मेरे गले की माला, मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ। मैं भी आप सब की तरह फल और अनाज खाकर जीवन व्यतीत करती हूँ। मोनी बिल्ली को रोता देखकर सारे पक्षी मोनी बिल्ली की बातों में आ जाते हैं और मोनी बिल्ली पर तरस खाकर उससे दोस्ती कर लेते हैं और मोनी बिल्ली को अपने जंगल में रहने के लिए आसरा दे देते हैं। अच्छा ठीक है मोनी बिल्ली, पहले तुम रोना बंद करो। मोनी बहन, तुम हमारे जंगल में रह सकती हो और आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। बेटा मिनी, ये देखो ये तुम्हारी मोनी मौसी हैं और आज से हमारे ही जंगल में सबके साथ रहेंगी। लेकिन पापा, ये जो बिल्ली मौसी है, मुझे इनसे डर लग रहा है, अगर इन्होंने मुझे खा लिया तो। नहीं मिनी बिटिया, मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तुमको कैसे खाऊंगी? और मैं तुम्हारी मौसी जैसी हूँ ना, आओ मेरे पास आओ। मिनी कबूतरी डरते डरते मोनी बिल्ली के पास जाती है और मोनी बिल्ली बड़े प्यार से उसके साथ खेलती है। धीरे धीरे जंगल के सभी बच्चे मोनी बिल्ली के साथ खेलने लगते हैं और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन अचानक से रूपा चिड़िया का बेटा पिंटू चिड़ा अचानक से कहीं गायब हो जाता है और सारे पक्षी मिलकर उसे ढूंढने में जुट जाते हैं। क्या लगता है मोनू कौवे, कहाँ गया होगा रूपा बहन का बेटा पिंटू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं रघु कबूतर, इससे पहले तो कभी भी पिंटू चिड़ा अपने माँ बाप को बिना बताए कहीं नहीं गया। रूपा चिड़िया और रिंकू चिड़ा भी पिंटू को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन पिंटू कहीं नहीं मिलता। रूपा और रिंकू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद रघु कबूतर की बेटी मिनी कबूतरी भी कहीं गायब हो जाती है और पूरे जंगल में एक बार फिर से तहलका मच जाता है। पूरे जंगल के पक्षी मिनी कबूतरी को ढूंढने लग जाते हैं। क्या हुआ रघु कबूतर, मिनी बिटिया का कुछ पता चला क्या? नहीं मोनू कौवे, पता नहीं मेरी बिटिया कहाँ चली गई है और किस हाल में होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस जगह ढूंढूं अपनी बेटी को। तभी वहाँ पर मोनी बिल्ली आती है। क्या हुआ भैया रघु कबूतर, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं मोनी बहन, मेरी बेटी मिनी कहाँ गायब हो गई है। कल रात से घर वापस नहीं आई, शाम को खेलने निकली थी, उसके बाद से घर वापस ही नहीं आई। मिनी की माँ को तो रो रो कर बेहोश हो गई है, मैं अभी उसे घर छोड़ कर आया हूँ। कहाँ चली गई मिनी बिटिया? चलो रघु भैया, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ मिनी बिटिया को ढूंढने में। हाँ चलो हम सब मिलकर मिनी को ढूंढते हैं। मोनी बिल्ली, मोनू कौवा और रघु कबूतर के पीछे पीछे जाने लगती है और तभी मोनी बिल्ली अपने मन में सोचती है, कितने पागल पक्षी हैं, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा और मैं इसी तरह धीरे धीरे करके इनके सारे बच्चों को खा जाऊंगी।
आखिर मुझे भी तो अपनी भूख शांत करनी है, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। कब तक मैं इन लोगों के चक्कर में ये घास फूस और फल खाती रहूंगी। मोनी बिल्ली रघु और मोनू कौवे के साथ अब कबूतर के घर आती है और उनके साथ मोनी बिल्ली को भी आता देखकर सोनू तोते का बेटा टिंकू तोड़ता डरने लगता है और डर की वजह से छिप जाता है। बिल्ली के वहाँ से जाने के बाद टिंकू अपने पापा सोनू से कहता है, पापा पापा ये बिल्ली मौसी जो है ना, ये कल मिनी को अपने साथ ले गई थी जब मिनी हम सब के साथ खेल रही थी। अच्छा टिंकू बेटा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चलो हम जल्दी से रघु कबूतर और रूपा चिड़िया बहन के सारी बात बताते हैं। सोनू तोता जल्दी से रूपा चिड़िया और रघु कबूतर को सारी बात बताता है। मैं इस बिल्ली को छोड़ूंगी नहीं, इसे कच्चा खा जाऊंगी, मैं इसको जान से मार दूंगी, इसने मेरे पिंटू को खाया है। शांत हो जाओ रूपा, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ रहा हूँ। वैसे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है उस मोनी बिल्ली पर। मेरा तो मन भी यही कर रहा है रूपा बहन, लेकिन मोनी हम दोनों को एक झटके में मौत के घाट उतार देगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अकेले मोनी बिल्ली का बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनो। सारे पक्षी हम जमीन पर एक लकड़ी का गोला बनाएंगे और उस पर तेल छिड़क कर रखेंगे और मोनी बिल्ली को उस गोले में लाएंगे और लकड़ी में आग लगा देंगे और अपने अपने घरों से पत्थर मार मार कर मोनी बिल्ली की जान ले लेंगे। ऐसा करने से मोनी बिल्ली भी मर जाएगी और हम सबका कुछ चोट और नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगी। हाँ भैया सोनू तोता, तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारी तरकीब पसंद आई है। आइए भाई और बहनों, हम सब पत्थर इकट्ठा करके अपने अपने घोंसले में रखते हैं। रिंकू चिड़ा, तुम रघु भाई सब के साथ मिलकर लकड़ी का गोला बना लो और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दो। रिंकू चिड़ा और रघु कबूतर बिल्कुल वैसा ही करते हैं, लकड़ी का एक गोला बनाते हैं और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में पत्थर इकट्ठा करके रख लेते हैं। दूसरे दिन जैसे ही बिल्ली उस लकड़ी के गोले में आती है, सोनू तोता लकड़ी में आग लगा देता है। अरे क्या कर रहे हो सोनू तोता, तुमने मुझे इस आग में क्यों फंसा दिया? निकालो मुझे रूपा चिड़िया, मेरी मदद करो। रघु कबूतर देखो, सोनू तोता मुझे आग से जलाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था, तुमने कितनी बेरहमी से मेरी बेटी मीनी को खा लिया। हमने तुम्हें अपने जंगल में रहने के लिए जगह दी, तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने तो हमारी ही पेट में छुरा घोंप दिया, हमारे ही बच्चों को खा गई, धोखेबाज गई की। तेरे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, अब तो यही जलकर मरेगी। चलो भाई और बहनों, इसको पत्थर मार मार कर इसकी जान ले लो ताकि ये कभी भी किसी और का बच्चा ना खा पाए। और जंगल के सारे पक्षी बिल्ली को पत्थर मारते हैं और बिल्ली वहीं जख्मी होकर गिर जाती है और फिर उसी आग में जलकर मर जाती है। बिल्ली के जलकर मरने के बाद सभी पक्षी राहत की सांस लेते हैं और उस दिन के बाद से किसी का भी बच्चा गायब नहीं होता और सभी पक्षी पहले की तरह ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।